नमस्कार, स्वागत आपका पांच शहर पांच खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। पांच शहर पांच खबर में जिन पांच खबरों को लेकर हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहली खबर में बताएंगे, सीएम शिवराज को भूखा नंगा कहने वाले कांग्रेस नेता पर FIR दर्ज हो गई है। दूसरी खबर में बताएंगे, महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव किया है। तीसरी खबर में हम बताएंगे कि सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल जाने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। चौथी खबर, भक्तों को राहत देने वाली, अब माता के भक्तों के लिए नवरात्र में देवी के मंदिर खुले रहेंगे। पांचवी खबर में बात होगी पन्ना से, जहां तालाबों की स्थिति दयनीय हो रही है। तो मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहने वाले कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने गुर्जर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। 11 अक्टूबर को अशोकनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुर्जर ने कहा था कि पूर्व सीएम कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, शिवराज की तरह नंगे भूखे परिवार के नहीं है। हालांकि सीएम ने अगले दिन इसका जवाब भी दे दिया था। अपने जवाब में शिवराज ने कहा था कि वो भूखे नंगे परिवार से हैं, इसलिए गरीब बेटा बेटियों को मामा बन पढ़ाते हैं, गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करते हैं। गुर्जर के बयान के बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर थी। बीजेपी ने तो इस बयान के विरोध में मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत कर दी। बीजेपी के नेता गुर्जर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग भी कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। राज्य हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं। तो दिनेश गुर्जर का ये बयान, जिसके बाद सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और भूखे नंगे को ही चुनावी फॉर्मेट में तब्दील कर दिया। यूं कहें कि चुनावी कैंपेन भी इसी के तहत आगे बढ़ाया गया, मैं भी शिवराज, और ये टैग दिया गया कि अगर आप भी गरीब परिवार से हैं तो अपनी DP चेंज कीजिए, शिवराज की फ़ोटो लगाइए, और उसमें जो टैक्स दिया गया है उसमें लिखा गया है मैं भी शिवराज। और उसके बाद दिनेश गुर्जर पर कार्रवाई होती है, FIR दर्ज होती है, पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब ऐसे में देखा जाए तो क्या गुर्जर पर जो कार्रवाई हुई है उससे बयानबाजियों में कोई फर्क आएगा, या फिर जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही थी उस पर कोई कंट्रोल हो पाएगा? हालांकि लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, गुर्जर पर जिस तरह की टिप्पणियां बाद में हुई और कांग्रेस भी इस मामले में बैकफुट पर नजर आई, ये माना जाने लगा कि दिनेश गुर्जर ने ही अपनी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जो ना वो उगल पा रहे हैं उस मुसीबत को, ना वो निगल पा रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। किसी तरह का पनिशमेंट या किसी तरह की कार्रवाई अगर गुर्जर के ऊपर होती तो जाहिर है कि इस वक्त कांग्रेस को हर वो छोटे बड़े नेता की ज़रूरत है जो चुनावी समय में उसके लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग सके। और दिनेश गुर्जर, जिनका नाम ही इस चुनावी समय में टिकट को लेकर चल रहा था, तो भला उन्हें कैसे इस तरह से कार्रवाई का भुगतान करना पड़ता या उन पर किसी तरह का पनिशमेंट होता? लेकिन अंततः अब दिनेश गुर्जर पर मामला दर्ज हुआ है, कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से। और दूसरी तरफ शिवराज की कैंपेन की बात, जहां मैं भी शिवराज कैंपेन तो बीजेपी आगे बढ़ा ही रही है, नंगा भूखा चुनावी कैंपेन में खूब जोर शोर से उठ रहा है। आगे बढ़ते हैं। महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव कर दिया। वाहन में विधायक नीरज दीक्षित तो नहीं थे, लेकिन हमले में उनके छोटे भाई और बहू बाल बाल बच गए। जानकारी के मुताबिक बेटे के छोटे भाई धीरज दीक्षित अपनी पत्नी के साथ छतरपुर से अपने गाँव उर्दमऊ जा रहे थे, तभी गढ़ी मलहरा की बीच बस्ती में अज्ञात हमलावरों ने उनके वाहन पर पथराव किया। हमलावर कट्टे से फायर करने के लिए भी धमका रहे थे। विधायक के भाई खुद का बचाव कर मौके से निकले और सीधे थाने पहुंच गए। इधर हमले की खबर लगते ही उपचुनाव में व्यस्त विधायक नीरज दीक्षित भी गढ़ी मलहरा पहुंच गए। उनके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। जो मेरी ये गाड़ी है, जब मैं भोपाल में रखे रहता हूँ अपने पास, और अभी बीच में जब कोरोना रहा तो ड्राइवर छुट्टी में था, तो मैं खुद लेके आ गया, मैं खुद चलाता रहा। लोकल में यह हल्ला है कि मैं छोटी गाड़ी से घूम रहा, और आज 4-5 दिन से मैं बड़ा मलहरा हूँ। छोटा भाई और बहू
छतरपुर गए थे दिखाने खाने, जो भी गए हों, वहाँ से लौट रहे थे। 20 शहर में गढ़ी मलेरा में एक हमला हो रहा। इसके पहले आज 6 मार्च को मेरे एक चिट्ठी आती है कि आपके परिवार में मर्डर हो जाएंगे, जे हो जाएगा। मैंने FIR कोतवाली में की। कैसी चिट्ठी थी, क्या था उसमें? काफ़ी चीज़ें लिखी थी, 3 पेज की थी। हाँ। उस पर आज तक मुजरिम को पकड़ा नहीं गया। मैंने कई बार SP साहब से इस बात में बात की, कांग्रेसी विधायकों का मन डिवाइड किया जाए, इनको वहाँ से मन विरक्त किया जाए कि जो अपने परिवार और घर पे ध्यान जाए। इसका कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ, जब सामने तत्व आएंगे और जांच होगी उससे पता चलेगा। महाराजपुर विधायक श्री नीरज दीक्षित के छोटे भाई अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, तो जैसा उनके द्वारा FIR में लेख कराया गया है, 3 लोग थे जिन्होंने गाड़ी पे हमला किया और उनके FIR के अनुसार उनके हाथ में कट्टे भी थे। उस आधार पर हमने FIR दर्ज कर ली है और इसको काफ़ी मुस्तैदी से हम लोग जाँच करवा रहे हैं। उम्मीद है रात में ही हम लोग आरोपियों को राउंड अप कर 4-5 महीने पुराना मैटर है, जो कि कोतवाली थाने में इसकी FIR भी दर्ज हुई थी और इसमें वर्तमान में जांच की जा रही है उस चिट्ठी की, क्योंकि और भी ज़्यादा क्लूज उसमें मिले नहीं थे, परंतु हम लोग एक नए सिरे से उसमें जाँच करवाते हैं और जहाँ तक संभव होगा उसका। तो महाराजपुर से कांग्रेस विधायक हैं नीरज दीक्षित, और उनका कहना है, नीरज दीक्षित का, कि उन पर हमले की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस गाड़ी पर हमला हुआ उसमें उनके भाई और उनकी पत्नी सवार थे, इसी को लेकर उन्होंने अपने ऊपर भी हमले की आशंका जताई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों उन्हें किसी तरह से संपर्क करने की भी या फिर लेटर या मैसेजेस के माध्यम से उन्हें धमकाने की कोशिश की गई थी। उपचुनाव के समय इस तरह की खबरें आना बैठे बिठाए मुद्दा तो मिलता ही है। हालांकि इस खबर को और भी समझते हैं। प्रिंस संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रिंस, कैसे देखा जाए नीरज दीक्षित की गाड़ी पर अज्ञात हमलावर हमला करते हैं, उनका कहना है पहले पत्थरों से वार होता है फिर कट्टे से भी गोली चलाने की धमकी दी जाती है। हालांकि दीक्षित के छोटे भाई और पत्नी उस गाड़ी में सवार थे, इसके बाद कई तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो हुई है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परिदृश्य में बैठती है। कहीं ना कहीं विपक्ष को बैठे बैठाए अब मुद्दा मिल गया है, विधायक विपक्ष के विधायक पर हमला हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं कल राजनीतिक घटनाक्रम भी वहां पे हुए। वहां पर कांग्रेसियों ने विरोध भी किया है और विधायक संघर्ष करोगे ऐसे नारे भी लगे हैं। वहां पे काफी हंगामा कांग्रेसियों ने किया था थाने में, मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची थी और साथ साथ वहां पे एडिशनल SP समीर सौरभ भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने मौका स्थिति को कंट्रोल किया है। और बाकी विवेचना की जा रही है, पुलिस कह रही है कि विवेचना चल रही है, संदेहियों से पूछताछ चल रही है, जो भी संदेही है उन्हें धरपकड़ की गई है, उनसे पूछताछ चल रही है, पूरे मामले की गढ़ी मलेरा थाना पुलिस जाँच में जुटी हुई है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए प्रिंस। तो जाँच अब चल रही है आगे की कार्रवाई के लिए, लेकिन ऐसे एक इसे सियासत से जोड़कर भी इस हमले को देखा जा रहा था, जैसे कि अभी प्रिंस ने भी हमें बताया कि जो नीरज दीक्षित हैं, जो संवाददाता हैं महाराजपुर से, उन्होंने भी इसी तरफ कुछ इशारा किया है। अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की बात। अनलॉक 5 में गुरुवार से अब 7 महीने बाद शहर के सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शहर के सभी मनोरंजन पार्कों में आम जनता अब कोविड नियमों का पालन करते हुए चहलकदमी कर सकती है। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्विमिंग पूल भी अब खुल सकेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बुधवार को इस संबंध में धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है। इधर सिनेमा हॉल खोले जाने को लेकर गाइडलाइन का पालन करने के लिए सैनिटाइजेशन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को करने के लिए खर्च बढ़ेगा। सिनेमाघरों के मैनेजमेंट का मानना है कि सिनेमाघर जरूर अनलॉक हो रहा है मगर इनकम लॉक रहेगी, क्योंकि हाल में ना कोई मूवी रिलीज हुई है और ना ही जल्द रिलीज होने की कोई उम्मीद है। अगर मूवी कोई रिलीज हो भी तो 50% क्षमता के साथ जो कमाई होगी वो मेंटेनेंस में ही खर्च हो जाएगी, जिसके चलते सिनेमाघर मालिकों ने फिलहाल थिएटर को बंद रखने का ही फैसला लिया है। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और सभाएं कंटेनमेंट जोन से बाहर 100 लोगों की सीमा के साथ पहले अनुमति लेकर आयोजित किए जा सकेंगे। इसी तरह बंद हॉल की क्षमता का 50% और अधिकतम 200 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। खुले मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 100 लोगों से अधिक होने पर संबंधित क्षेत्र के SDM से अलग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा रावण दहन का कार्यक्रम खुले मैदान में मास्क और सुरक्षित शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए आयोजित किए जा सकते हैं।
अलग से एसडीएम या कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेना होगा, ये ज़रूरी है। तो ये तमाम बातें जिसको अनलॉक 5 में ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। हालांकि जिस तरह से आप अगर मूवी लवर्स हैं, सिनेमा लवर्स हैं, तो आपको ये खबर परेशान कर सकती है कि फ़िलहाल सिनेमा हॉल संचालक या फिर सिनेमा में जो फिल्म देखने जाते हैं उनके लिए फ़िलहाल तो सिनेमा हॉल नहीं खुलने वाले हैं, क्योंकि जो संचालक हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि किसी तरह से वो फ़िलहाल तो नहीं खोलने वाले हैं, क्योंकि फ़िलहाल उनका कहना है कि कोई मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, और उसके अलावा भी अगर रिलीज़ होती भी है तो जिस तरह से 50% क्षमता के साथ बैठाने की व्यवस्था के बारे में कहा गया है, उतने में उनका मेंटेनेंस कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली रीज़न ये है कि एक तो अभी कोई नई पिक्चर रिलीज ही नहीं होंगी जी, एक तो डल पीरियड भी आ गया क्योंकि नवरात्रों का पीरियड बहुत डल होता है जी, और दूसरी चीज़ अभी महाराष्ट्र गुजरात जैसे बड़े शहर तो बंद ही पड़े जो कि मूवी हब होते हैं जी। बिल्कुल डेफिनेटली खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने SOP ऐसी बनाई है कि जिसमें कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपये का महीने का खर्चा बढ़ेगा ही जी। हर शो के बाद हॉल सैनिटाइज करना, सैनिटाइजेशन मशीन रखना, टेम्परेचर लेना, और इतनी सारी चीज़ें जो जोड़ दी गई हैं, और एक सीट छोड़ के बिठाना, मतलब सीधे इनकम आदि करना जी, तो खर्चा तो बढ़ेगा ही। तो जो सिनेमा हॉल संचालक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मेंटेनेंस में ही आधा खर्चा चला जाएगा, फिलहाल तो खुलने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कोई न्यू मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई है और फिलहाल कोई उम्मीद भी नहीं है। और तमाम बाकी चीज़ों के बारे में तो हमने आपको जानकारी दी है, और भी इस सिचुएशन को या जो सिनेमा घर संचालक कह रहे हैं उनकी बातों को समझते हैं। आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, फिलहाल जो मूवी लवर्स हैं, सिनेमा हॉल में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फिलहाल इस मामले में कोई भी सिनेमा हॉल खुलने की खबर नहीं है, संकेत नहीं है, और क्या जानकारी आशीष? तो 61 सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर हैं, और इन राजधानी भोपाल में सिनेमा घर संचालकों का साफ तौर पर कहना है कि जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए यदि थिएटर खोले जाते हैं तो बहुत खर्चा आता है, क्योंकि यदि 500 दर्शकों को बैठने की व्यवस्था है तो हम केवल 250 दर्शक बैठा सकते हैं, और अब फिलहाल कोई ऐसी नई फिल्म भी रिलीज नहीं हुई है जिसके लिए दर्शक बड़ी संख्या में थिएटर पहुंचे, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में हर व्यक्ति जो है वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है। और दूसरी बात जो सिनेमा घर संचालकों का कहना है कि वो लॉकडाउन के दौरान लगातार बिजली बिल देते हुए आए हैं, संपत्ति कर भर रहे हैं, लेकिन अब सरकार को इसमें रियायत देना चाहिए। जो एक्चुअल कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पावर का एक्चुअल कंजप्शन के आधार पर ही बिल दिया जाना चाहिए, जिससे उनको कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल आशीष, लेकिन देखिए इससे पहले भी बस ऑपरेटर्स के जो गाड़ी के टैक्सेस हैं उनको भी सरकार ने माफ़ किया है, हालांकि वो आम जनता की ज़रूरत से जुड़ा हुआ था। यहाँ आपको लगता है कि अगर इस तरह की डिमांड्स रखते भी हैं तो सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या कोई ऐसा रुख इख्तियार किया जाता है जिसकी वजह से टैक्सेस माफ़ हो या बिजली के बिल में कोई रियायत मिले? देखिए, फिलहाल जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनका जो रुख है वो बिल्कुल सिनेमा घर संचालकों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तो ऐसे में उम्मीद जरूर की जा रही है कि सरकार इन सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर जो हैं उनके लिए कोई फैसला ले सकती है। हालांकि मल्टीप्लेक्स या दूसरे जो इस तरह की कंपनियां हैं जो अलग अलग मल्टीप्लेक्स संचालित करती हैं, इनके लिए कोई खास तौर पर रियायत मिलते हुए यहां पर नहीं दिख रही है, लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर संचालक जो हैं, जो छोटे छोटी टॉकीज चलाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, या तो उनके लिए सरकार जरूर कोई ऐसा इंतजाम कर सकती है जो जानकारी अब तक मिल रही है। बिल्कुल आशीष, तो देखना ये होगा, यानी जो लोग मॉल्स में जाकर या मल्टीप्लेक्स में जाकर उन व्यवस्थाओं के साथ मूवी देखना पसंद करते हैं उनके लिए आने वाला समय और भी रुककर ही बैठना होगा, उन्हें और समय इंतजार करना होगा। बिल्कुल, उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि राजधानी भोपाल में एक मल्टीप्लेक्स फिलहाल संचालित होना शुरू हो चुका है, और वहां पर भी पुरानी मूवीज जो है वो लगी हुई है, ऐसे में दर्शक कितनी संख्या में पहुंचेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन
जो तमाम सुविधाओं के साथ मल्टीप्लेक्सेस में जो मूवियां लगा करती थी, जो मूवीज लगा करती थी, तो उनके लिए फिलहाल दर्शकों को इंतजार करना पड़ सकता है। एक सवाल और कि आपने कहा कि अभी कुछ ऐसे भोपाल का एक ऐसा मल्टीप्लेक्स है जिसने ओपन कर दिया है, हालांकि पुरानी मूवीज के साथ ही ओपन किया है, और इसी के साथ अगर कुछ और भी जो मल्टीप्लेक्स हैं, दो चार मल्टीप्लेक्स और हैं राजधानी भोपाल में और मध्य प्रदेश में तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से यानी जो छोटा अगर सिंगल स्क्रीन चलाने वाला संचालक है वो तो पिट जाएगा, उसके साथ तो परेशानी अगर वो अपने मेंटेनेंस का खर्चा नहीं निकाल पा रहा है और ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ राहत उन्हें मिले, और अगर ये मल्टीप्लेक्स चालू रहते हैं तो उन्हें तो फिर तवज्जो मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही कहा पारुल आपने कि यदि मल्टीप्लेक्सेस में ये मूवीज शुरू होती हैं, दिखाना शुरू होती हैं, तो निश्चित रूप से सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर जो है उसके संचालक को काफी घाटा होगा। अब ये दबाव कह लीजिए या उनकी रियायत को लेकर उनकी मांग है, तो सरकार के नुमाइंदे फिलहाल जो रुख दिख रहा है उसके मुताबिक हो सकता है कि इन छोटे सिनेमाघर संचालकों को कुछ राहत मिल जाए, लेकिन राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मुख्यमंत्री स्तर पर खुद मुख्यमंत्री को फैसला लेना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। तो फिलहाल सवाल यही कि अगर एंटरटेनमेंट लवर्स हैं या सिनेमा लवर्स हैं, मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, तो जैसे कि आशीष ने भी हमें बताया कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स भोपाल में खुल चुका है, एमपी में भी इसी तरह की खबरें हैं, लेकिन अगर हम सिंगल स्क्रीन की बात करें तो वहाँ उन लोगों ने कह दिया है कि जो उन्हें खर्च करना पड़ रहा है या जो उन्हें अर्निंग्स होंगी, फिलहाल तो नई मूवी कोई रिलीज़ नहीं हो रही है तो कोई उनको राहत नहीं है कि दर्शक आएंगे देखेंगे, लेकिन ऐसे में उनका खर्चा तो नहीं निकलने वाला है, इसलिए उन्होंने सरकार से मदद मांगी है। आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के दौरान प्रदेश के सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे, श्रद्धालु आसानी से माता के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि घर पर ही माता की पूजा अर्चना करें, मंदिर में भीड़ एकत्रित ना हो। उन्होंने जनता से कहा वो अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, सभी सावधानियों का पालन करें, 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा मंदिर प्रांगण और हॉल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक समय में वहां 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होना चाहिए, छोटे स्थानों पर उतने ही व्यक्ति एक बार में एकत्रित हो जिससे एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे। मुख्यमंत्री ने कहा मंदिरों में दर्शन के लिए लगने वाली लाइन में एक दूसरे श्रद्धालुओं के बीच पर्याप्त अंतर हो, ये मंदिर प्रबंधन समितियां और व्यवस्थापक जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं वो इस चीज का ध्यान रखें। विसर्जन में भी पूरी सावधानियां और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, दशहरे के अवसर पर रावण दहन किया जा सकेगा और रामलीलाएं भी हो सकेंगी, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रखने, मास्क लगाने जैसी तमाम सावधानियां अनिवार्य रूप से बरतनी होगी। एक बार फिर से आशीष मंगल सोनी विशेष संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो भक्तों के लिए अच्छी खबर, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी होगा कि तमाम सावधानियों का पालन करना है, दर्शन करने जाइए लेकिन मास्क और जो दो गज की दूरी है उसका ध्यान भी रखना जरूरी होगा। जो व्यवस्थाएं करने वाले लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे, जो झांकियां सजा रहे होंगे, उनको तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा और रखवाना होगा आशीष, तभी माता के दर्शन या फिर भक्ति के साथ साथ आप कोरोना से भी बच पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री ने फैसले लिए हैं, नवरात्र के दौरान प्रदेश में माता मंदिर खुले रहेंगे और जो भक्त दर्शनार्थी हैं वो माँ देवी के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए माता के दर्शन का लाभ लें, मंदिर प्रांगण में या हॉल में 200 लोग से ज्यादा एकत्रित ना हो, मंदिर के गर्भगृह में भीड़ इकट्ठी ना हो और यथासंभव घर में ही माँ की पूजा करें और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करें। दरअसल नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग देवी मंदिरों में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस दौरान सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, तो इसीलिए ये गाइडलाइन के अंतर्गत, चूंकि नवरात्र एक ऐसा महापर्व है जो बड़े धूमधाम से मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और भक्त जो है वो लगातार पूरे 9 दिन तक मां की आराधना करते हुए अलग अलग मंदिरों में पहुंचते हैं,
तो इस बार बेहद जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जहां तक संभव हो घर में ही यदि पूजा की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ये साफ तौर पर प्रशासन का कहना है। लेकिन इन सब के अलावा इस बार गरबे और डांडिये का आयोजन नहीं किया जा सकेंगे, लेकिन दशहरे पर रावण दहन का कार्यक्रम किया जा सकेगा। कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पहले ये संभावना भी जताई जा रही थी कि सलकनपुर देवी मंदिर ट्रस्ट का साफ तौर पर कहना था या मैयर शारदा मंदिर ट्रस्ट का भी साफ तौर पर कहना था कि नवरात्र के दौरान मंदिर भक्तों के लिए नहीं खोले जाएंगे, लेकिन आम जनता आम भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि मंदिर खुलेंगे और जो भी भक्त पहुंचे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन लाभ लें। बिल्कुल आशीष, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए ही भक्त भक्ति भी कर सकेंगे और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो मंदिर खुल जाएंगे, माता रानी के दर्शन आप कर सकेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें थीं कि कुछ मंदिरों को नहीं खोला जा रहा है, लेकिन अब साफ है कि मंदिर खोले जाएंगे। नवरात्र एक ऐसा पर्व है जिससे हम बड़ी ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते लोगों को ये सोच रहे थे सभी लोग कि आने वाले समय में क्या वो मंदिरों में दर्शन करने पहुँच पाएंगे, तो ये साफ है। लेकिन ध्यान रखते हुए दो गज की दूरी का ध्यान आपको रखना है। बुंदेलखंड का पन्ना वैसे भी आए दिन सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक बार फिर पन्ना सुर्खियों में है। नगर के अंदर स्ट्रीट टाइम के बने हुए तालाबों की स्थिति बड़ी ही दयनीय और जर्जर हो गई है। आजादी के बाद से इन तालाबों का सिर्फ कागजों में जीर्णोद्धार हुआ। नगर के अंदर तालाबों की स्थिति देखिए तो कहीं घाट है तो कहीं पर घाट ही नहीं है, जबकि नगर के अंदर कुछ तालाब ऐसे भी हैं जहां बड़े हादसे और डूबने से मौत भी हो चुकी हैं। तालाब के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जबकि इन तालाबों में लोग स्नान करते हुए भी देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, तालाबों के घाटों पर और तालाब के आसपास रोज शाम को शराबियों का जमावड़ा लगता है। लोगों का कहना है यहाँ पर दिन दहाड़े तालाब के घाटों पर शराबी आकर शराब पीते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, जबकि तालाब पर महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सभी यहाँ पर नहाने और कपड़े धोने आते हैं। कई बार शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। मेरा नाम संतोष कुमार हरिजन, वार्ड नंबर 3 हिंदुपुरी कॉलोनी, ये दहलान तालाब है और आगे बजरंगबली का मंदिर है जो लगभग 200 साल पुराना है, और यहाँ की रोड भी पूरी ख़राब है। कई बार अधिकारी गण आए जो कि देख देख कर चले गए कि आज बन जाएंगे अगले महीने, लेकिन वो ऐसे ऐसे करके 5 से 10 साल निकल के लेकर रोड नहीं बनी है। तालाब पर इस प्रकार की समस्या है कि लोग दारू पी भी रहा का शाम कर बैठते हैं और सुबह भी बैठ जाते हैं, मान लो कितने टाइम भी दारू पी कर बैठते हैं, नहाने धोने वाले को लेडीज़ को काफ़ी परेशानी होती, गाली गलौज भी करते हैं लोग यहाँ, और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ कितनी गंदगी है। तालाब में पानी भी गंदा है पूरा। कई बार शिकायत की, हालांकि चैनल के माध्यम से भी की, कलेक्टर के पास भी शिकायत लेके गए, नगरपालिका वाले भी जाके ले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। और अभी नवरात्रि चालू है, अभी और गंदगी पड़ी यहाँ पर। सलाह वैसे तो रहता ही है सुर्खियों में, लेकिन अब यहाँ जो नदियाँ हैं उनकी स्थिति दयनीय है, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि सालों से इनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, जीर्णोद्धार भी केवल कागजों में। सचिन संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन, परेशानियां तो लोगों ने बताई, लेकिन क्यों आखिर एक तरफ हम जल संरक्षण की बातें करते हैं, दूसरी तरफ जो नदियां प्रकृति ने हमें दी हैं उन्हीं का ही संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये पन्ना जी के तालाब हैं ये स्ट्रीट टाइम से बने हुए हैं और इनका जो जीर्ण उद्धार कागजों का उसमें अधिकारियों ने दिखाया हुआ है। अगर जमीन स्तर की बात की जाए तो इन तालाबों में गंदगी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा इतना ज्यादा लगा हुआ है, शाम होते ही यहाँ पे शराब पीना, कचरा करना, उसके बाद और यहाँ पे महिलाएं बच्चियां नहाने आते हैं, बुजुर्ग आते हैं तो गंदे कमेंट्स करना, गाली देना, यहाँ पे कोई रख रखाव कोई रोक टोक किसी चीज की नहीं है। प्रशासन से बाढ़वासियों ने कई बार शिकायत भी की है पर इसका कुछ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इन तालाबों में कई बार मौत भी हो चुकी है पर तो भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो वैसे में क्या अब इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देगा, या वहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विधायक हैं, लोगों ने भी बताया कि कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता? जी मैम, अभी तक कोई उन्होंने शिकायत लिखित में भी दी है और जाकर भी मिलते आए हुए हैं पर अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है।
चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन। तो लोगों ने परेशानियां बताई हैं, शिकायतें की हैं, बावजूद उसके यहाँ कोई देखने समझने वाला है नहीं। ऐसे में जल संरक्षण की बातें, पानी को संभालिए, सहेज कर रखिए, बूंद बूंद कीमती, ऐसी बातें खोखली सी लगती हैं। जब जो चीज़ प्रकृति ने आपको कुदरती दी है, नदियाँ, उनका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, घाट बर्बाद हो चुके हैं, गंदगी पसरी हुई है, उस नदी की सफाई नहीं हो पा रही है। और अब नवरात्र में तो मूर्तियों विसर्जन के दौरान भी, उससे पहले और उससे बाद में भी सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।